अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो काल इस आकाश पार का इस्तेमाल जरूर करेगा, क्योंकि उसे भी पता कि इस ब्रह्मांड में रहना उसके लिए खतरनाक है। खतरों से आंख मिचौली खेलते खेलते बड़ा हुआ है ये काल। अगर वो लोग वहां पर घात लगाकर बैठे भी हैं, तो आज उन्हें सबक मिलेगा कि काल बंद मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाता है और किसी को भनक भी नहीं होती। ओ, अच्छा। हम जैसे ही काल यहाँ पर पहुंचेगा, हम उसे अपने जाल में कैद कर लेंगे। बस अब जल्द से जल्द बालपरी धरती पर तेबु भैया के हमशक्ल को ढूंढ ले, उसके बाद सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। आगे तो हर चाचू 8.5 मिनट में, चलो जल्दी। अब जल्दी घर चलिए चाचू, वरना आपकी माँ और हमारी मम्मा दोनों भी टेंशन से दुबला जाएंगी। हाँ हाँ माँ डिप्टी कलेक्टर, अरे चलो जल्दी। अरे आप कहाँ ऐसा भागे जा रही हो हैं? अरे मैं कब से आपको पीछे से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन आप तो ऐसे दौड़े जा रहे हो जैसे शाहरुख खान को देख लिया है। मैंने देवू को देखा अभी। करुणा बेन संभालो ना अपने आप को है, मैं आपका दुख समझती हूँ और देवू के जाने का दुख तो हम सबको भी है, लेकिन क्या करे जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना, है आप संभालो ना अपने आप को। अच्छा हाँ याद आया, करुणा बेन इधर ना, मुझे छोटा सा काम है वो फटाफट निपटा लेते हैं, फिर ना हम मुंबई के लिए निकलते हैं। चल परियो, ये एक शक्ति खोज यंत्र है, इसकी मदद से तुम लोग उस हम शक्ल को ढूंढ सकोगे जिसके शरीर के अंदर बालवीर की शक्ति का अंश गया है। तो बालपरी क्या आप हमें ये दिखा सकती हैं कि इस टाइम पर बालवीर का हम शक्ल कहाँ है? इस वक्त वो हमशक्ल कानपुर में है, आप लोग जल्दी से जाकर उसे अपनी सुरक्षा में ले लो, किसी भी कीमत पर काल के हाथों में वो नहीं आना चाहिए। ओके बात परी, चलो। अरे डिंपल, तेरी कोई मदद कर दूं? ये टमाटर जो है ना, अमावस की चांद की तरह मुंह झुकाए काहे बैठे हो? अमावस में चांद कहाँ निकलता है, अमावस में तो प्रेत निकलते हैं। हाँ हाँ जॉली बेटा, पर तुम किस प्रेत की बात कर रहे हो? गोल्डी चौधरी। वो गोल्डी चौधरी वो कोई प्रेत प्रेत नहीं है, एक नंबर का लफंटर है। लफंटर? और उसी लफंटर ने हमें धमकी भरा मैसेज भेजा है कि अगर हमने उसके 1,20,000 रुपए नहीं लौटाए ना तो बहुत बड़ा कांड कर देगा। गोल्डी गणित में कमजोर है का? अरे कल तो हम उसे 10,000 रुपए दिए थे, अब काहे 1,20,000 मांगे हैं? ओ, अरे लिखावट में कोई गलती हो गई होगी ना उससे।
तुम दोनों ऐसे टेंशन ही आओ मत। अरे कैसे नहीं टेंशन आए माँ, ऊपर से सुबह से हैप्पी और कुकी पुकी भी कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गोल्ड इन तीनों के साथ कोई खेल तमाशा कर दिया हो? कह रहे थे कि हमारे सारे गहने बेचकर वो गोल्डी का कर्जा चुका दो, मगर नहीं। इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? अरे डिंपल, तुम ना अपने आंसू मत बहाओ, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को, देखना। अरे तुम तो चिंता करो उस गोल्डी की। हाँ, अरे हमारा हैप्पी बाहुबली है। बाहुबली नहीं है वो, कैसे समझाएं हम आपको? मगर हैप्पी भैया तो खुद को बाहुबली ही समझे हैं। हाँ, हमसे कह रहे थे कि उन्होंने अपनी उंगली से पूरी की पूरी अलमारी सरका दी। हाँ, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा लल्ला खुद ही उस गोल्डी से भिड़ने चला गया हो? पहुंच गए घर पे। उतरो उतरो उतरो। लल्ला, पुकी पुकी। अरे लल्ला तू ठीक तो है ना? तू कहाँ चला गया था? ये हमें और पुकी को बहुत आए जोर से बुढ़िया के बाल खाने का मन कर रहा था, वही खाने गए थे। और चाचू को भगवान जी से कुछ प्राइवेट बात करनी थी, इसलिए मंदिर भी गए थे। तो हमारे लिए काहे नहीं लाए बुढ़िया का बाल? हाँ, अरे लाए है ना माँ, लाए हैं आपके लिए मंदिर का प्रसाद लाए हैं। और वो भी स्पेशल देसी घी के लड्डू, ये लीजिए, आप भी लीजिए भाभी। आपको तो हम अपने हाथों से खिलाएंगे। अरे भैया खाइए खाइए। कैसा है घी? भरपूर है ना, एकदम मीठा होगा। और वो अरे आ गया आ गया आ गया, वाह 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 वाह, एक नंबर। अरे भैया ये लीजिए, वाह। ये कौन सा नया नमूना लेकर आए? अरे भैया नमूना नहीं है, ये तो हमारा आइडिया है, हवाई रन। अब आप सोचिए दुल्हन मंडप में इसमें बैठ कर आएगी, अरे फिर तो क्या बवाल मचेगा है। ओ आइंस्टाइन, हम तुमसे पहले ही बोले थे कि अब कोई उठपटांग आइडिया ना दोहराना। जॉली बेटा, तो काहे उसको बीच में टोक देता है? उसको अपनी बात तो पूरी करने दे। तू बोल तू बोल, ये हवाई रथ तेरा कैसे उड़ेगा? हम आपको बताते हैं माँ। तो ये जो रिक्शा है इसके पीछे एक छोटा पंखा लगा है और ऊपर एक बड़ा पंखा लगा है। अब इन दोनों को एक साथ घुमाते ही ये रिक्शा बन जाएगा हवाई रथ, एकदम हेलीकॉप्टर की तरह। हाँ, फिर कानपुर में हमारे नाम का भौकाल मच जाएगा, कह रहे हैं। पापा, माँ हमें आपसे एक शिकायत, आप और पापा हमारे होने के बाद रुक काहे नहीं गए? इसको लाना जरूरी था। जॉली भाभी। हाँ? आप बताइए कैसा लगा आपको हमारा हवाई रथ है? अरे क्या उम्दा किस्म का आइडिया है हैप्पी भैया। लेकिन हैप्पी भैया, हम क्या कह रहे हैं कि वैसे भी आजकल हमें शादी की बुकिंग कहाँ मिल रही है, तो ये हवाई रथ की बुकिंग कौन करेगा? सही बोल रही है डिंपल। और दूसरी बात, गोल्डी का अलग से मैसेज आया कि अगर वक्त पे उधारी नहीं चुकाई तो कांड हो जाएगा। कांड मच जाएगा? क्या कांड मच जाएगा? उसको पता नहीं है क्या कि हम पहलवान को पटक नहीं दे दिए थे? ताकत बढ़ गई हमारे अंदर, मोहन लेके हीरो बन चुके हैं हम। रुकिए, मैसेज तो उसे हम देकर आते हैं, ऐसा कैसे नहीं मानेगा? लल्ला लल्ला, काहे इतना गर्म आ रहे हो, शांत हो जाओ। मैसेज देने से पहले ही मैसेज जो आया है वो पढ़ तो लो, चलो अंदर चलो। हाँ तुम बैठे रहोगे, चलो अंदर। ठीक है,
अब आप लोग मना कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे गोल्डी से हाथापाई करने। लेकिन गोल्डी का उधार चुकाने का तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा हैप्पी। अरे जॉली भैया, जुगाड़ कर लेंगे हम। अभी अभी मंदिर में घंटा बजा कर आए। किस्मत की घंटी कभी भी बज सकती है। बजी घंटी। लगता है कोई शादी की बुकिंग कराने आया है। हैप्पी, ऐसा भी तो हो सकता है कि गोल्डी हो, हमारा अस्पताल का बुकिंग कराने आया। भैया, अब गोल्डी आएगा तो भी हम सब राम 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 आ गया गोल्डी। अरे नहीं, बड़ी सफेद जुबान है हैप्पी भैया की। इधर इन्होंने बोला नहीं और उधर आ गई शादी की बुकिंग। मतलब कस्टमर। हाँ। चलो भाई एक्शन। हाँ, चलो चलो। हाँ। देखो क्या। चलो 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 चलो। वाह। चाचू, आपके पास स्वागत के लिए कुछ क्यों नहीं है? अरे हाँ, पर आप सबने कुछ छोड़ा ही कहा है हमारे लिए, हैं? हाँ, हम फूलों की माला ले आते हैं स्वागत के लिए, हैं? चलो चलो चलो। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, तो आप इधर आओ, जल्दी जल्दी इधर आओ। काजों के फायरबॉल का जवाब फायर से देंगे। दुकान में आपका स्वागत है। मंडप, झालर, घोड़ी, डिस्को लाइट, डीजे से लेकर के रिसेप्शन तक का सारा इंतजाम हमसे कराइए। मेहरबान कदरदान, आइए आइए। मतलब शादी के अलावा फ्री टाइम में आप मदारी का खेल भी दिखाते हो क्या? आइए ना, आइए 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 आइए। आपको कितनी बार कहा है कि अपना स्वागत भाषण थोड़ा कम कीजिए, पर इंडिया में बहू की सुनता ही कौन है। सब अच्छा है ना? हाँ, हाँ बैठिए। बताए कहाँ सेवा करें हम आपकी। वैसे भारत के कोने कोने में हमने शादी कराई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। स्वागत है भाई, वेलकम वेलकम। कर दिया कबाड़ा हैप्पी ने। Thank you.
स्वागत है आपका, ये लीजिए। ये रंगीले भाई कौन है? माई सेल्फ हैप्पी, हैप्पी पांडे। हम हैप्पी वेडिंग प्लानिंग के हाफ पार्टनर। वैसे भैया, अब मैं बता ही नहीं कि हम कश्मीर और कन्याकुमारी में शादी कब करवा दिए हैं? हाय, मतलब आपके मोटा भाई झूठ बोल रहे? नहीं नहीं, झूठ झूठ नहीं। कन्याकुमारी में शादी, ऐसा गलत। मतलब हम जो बोले वो गलत समझे आप लोग। हम कह रहे थे कि आज तक हमने जितनी भी शादी कराई है ना, वो सारी की सारी कन्याएं कुंवारी थी। हाँ, ये तो सही है, लेकिन कश्मीर? वहाँ हनीमून के लिए गई थी, सारा पैकेज हम ही ने कराए थे। हैप्पी भैया, तुम जाओ, पहले जाओ, अपना मुंह धो के आओ, जाओ। अरे अभी धोकर आते हैं। आप लोग बताइए ना, आपको किसकी शादी करवानी है? हम लोग नाम मुंह दिखाई से लेकर सगाई तक, और सगाई से लेकर विदाई तक सब कुछ करवा देते हैं। और फिलहाल ना, हमारे यहाँ एक सावन का सेल भी चल रहा है, स्पेशल ऑफर भी है। स्पेशल ऑफर? हाँ, अगर आपने आज ही हैप्पी वेडिंग प्लानिंग में शादी की बुकिंग कराई तो हम दूसरी शादी के दूसरी शादी घर में हाँ हाँ घर में दूसरी शादी के लिए हम 20% डिस्काउंट देंगे। एम। अरे वाह भैया वाह, अब हमें बता ही नहीं बिना सावन के कौन सा सेल चल रहा है, हमें भी बताइए। अरे हैप्पी, तू फिर से बिना मुंह धोए आ गया, जा अपना मुंह तो धो के आ। अरे भैया, मेहमान आए हैं ना, तो थके होंगे, प्यासे होंगे, इसलिए हम उनके लिए नींबू पानी बना दी है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा किए हैप्पी, बहुत अच्छा किए। आप लोग पीजिए ना। हाँ, और हम क्या कह रहे थे, वो अब एडवांस दीजिएगा शादी की बुकिंग का। अब एडवांस तो हम दे देंगे आंटी, लेकिन बात ये है कि शादी ना मुंबई के भारत नगर में ही करवानी है, तो आप लोग सब मैनेज तो कर लेंगे ना? हाँ 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 हाँ, अरे जरूर मैनेज करेंगे, काहे नहीं करेंगे हैं। लेकिन हमारी एक सलाह है, आपकी शादी बम्बई में है ना, तो आप बम्बई में ही किसी शादी वाले से करवा दीजिए। अब हम करेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, बम्बई में आपको सस्ता पड़ेगा। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही हो भाई, हमको सस्ता पड़ेगा वो भी पता है, लेकिन वो क्या है ना, वो मेरे जीजा के भाई के भांजे की भतीजी की शादी है ना, तो वो लोग यहीं के कानपुर के है लेकिन रहते मुंबई में, और उनको शादी कानपुर वाली चाहिए लेकिन मुंबई में, इसीलिए तो हम यहाँ आपके पास आए हैं ना। हाँ, फिर तो सही जगह पे आई हैं। आपके जीजा के भांजे की भाई की शादी हम ही करवाएंगे। जीजा के भाई के भांजे के भतीजे की शादी? हाँ, शादी जिसकी भी हो, हमें तो शादी अच्छे से करवाने में मतलब है। और हाँ, इस बार शादी कराने में हमारे पास एक तड़कता भड़कता आइडिया है। हाँ। हैं? काल कहाँ गायब हो गया? हम सबकी नजर ऊपर ड्रैगन पर थी, तो इसका मतलब अब तो मैं मेरा हैमर रोकेगा। लोग
तत्काल यहाँ से भागकर किस यूनिवर्स में गया है शौर्य? इस बात का उत्तर देना संभव नहीं है विमान, क्योंकि ये द्वार वहीं लेकर जाता है जहाँ आप चाहो। काल इस समय किसी भी ग्रह की ओर जा सकता है, पृथ्वीलोक की तरफ भी। काल बार बार हमें चकमा देकर निकल जा रहा है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। चिंता मत करो विमान, बालपरी का चेतावनी संदेश अब तक सभी ब्रह्मांडों में पहुंच चुका होगा और वो सब सचेत हो गए होंगे। इससे पहले कि काल पृथ्वी पर जाए, हाईजास्ट होप की हमें धरती पर दीवो भैया का हमशिकल जल्द ही मिल जाए।